राधे राधे फ्रेंड्स, आज है गोपाष्टमी, दिन है सोमवार और हम आ गए हैं गौशाला। कार्तिक मास में गोपाष्टमी की धूम है, गाय माता के दर्शन करना बहुत शुभ होता है। सुबह कार्तिक स्नान करने के बाद हम आ गए हैं गौशाला में। सभी आंटी हमारे जितनी भी मॉर्निंग में मंदिर में मिलते हैं, सभी के साथ हम गौशाला जा रहे हैं। जय गौ माता की जय। वाह जी वाह। राधे राधे कृष्ण, क्यों हजे तक मैनू है टा, मेरे दिल दी आवाज सुन। गोपाष्टमी गौचारा के लिए जा रहे हैं सभी चारे को। हाथ मानसी जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें लेके आई है। चलो जी, राधे राधे। गुड़ खा के जमया सी तन्न। मम्मी ने मिट्टी खड। अच्छा, मैनू मिट्टी कंड कह रहे हो। मम्मी सुन लो, मम्मी के लिए कुछ कह रहे हैं क्या आंटी? आजो आजो आजो। क्या नाम है इसका? राधा रानी। राधा राधा की राधा रानी। राज आंटी लेके जा रही है हम सबको गौशाला। हम जा रहे हैं आज गौशाला और आज है गोपाष्टमी। गौ पूजा करने के लिए देखो आंटी ने क्या क्या ले लिया। आंटी की पूजा की थाली, गड़वी चावल और पालक साग और मेथी सब खिलाएंगे, गुड़। और ये मेरे साथ है रानी आंटी जी और दूसरी वाली जो हमारी ऑटो है पीछे आ रही है, दे मजे गंगा स्नान वाले। दूसरी ऑटो भी आ गई है वो देखो। हाँ जी राधे राधे। ओ देखो जी, दूसरी ऑटो बिल्कुल नाल ही खड़ी होगी लाइटा ते। ओ देखो राधा रानी, एक भजन सुनाना जरा किरण जी, एक भजन। लाल की जय। कोई बात नहीं। छोटी गैया छोटे ग्वाल, अरे छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटू सो मेरो मदन गोपाल, अरे छोटू सो मेरो मदन। क्या खाए गैया खावे ग्वाल, क्या खावे मेरो मदन गोपाल, घास खाए गैया दूध पीवे माखन खावे मेरो मदन गोपाल। गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटू सो मेरो मदन गोपाल। गोपाल बोलो गोविंद बोलो, गोपाल बोलो गोविंद बोलो, गोपाल बोलो गोविंद बोलो राधा रमन। हमने गाय को गुड़ खिलाया और पालक के पत्ते, हरी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक साग और मेथी सब उसने खाई आराम से। गुड़ भी लेके गए थे तो गुड़ भी खिलाया, आटा भी खिलाया, फल भी खिलाए, तिलक लगाया, आरती की अच्छे से हमने गाय में ही माना जाता है कि 33 कोटि देवी देवता विद्यमान होते हैं। गाय की पूजा करना, उसकी आरती उतारना और गाय के गोबर से अपना चौका करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। कार्तिक मास में गाय की पूजा का विशेष महत्व है और आज तो है गोपाष्टमी, इसलिए गाय की हर जगह पूजा हो रही है। कहते हैं ग्रंथों में लिखा है गाय के दर्शन मात्र से ही जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो गाय की पूजा यहाँ करना तो उत्तम है। जब हम गौशाला पहुंच गए तो वहां पर हमारे नेबर्स भी ऑलरेडी पहुंचे हुए थे, तो वो भी गाय को चारा, गाय की सेवा कर रहे थे, गाय की पूजा कर रहे थे, आरती उतार रहे थे और हमारे साथ शामिल हो गए गाय की आरती करने के लिए। उसके बाद गाय ने फ्रेश जो गोबर किया था उसे उठाकर अपने घर के लिए लेके जा रहे थे, क्योंकि कहते हैं कार्तिक में जो तुलसी विवाह करते हैं तो उसका चौका गाय के गोबर से लीप कर अच्छे से साफ सुथरा अपना आंगन किया जाता है। कार्तिक मास में तुलसी माता की पूजा और गाय माता की पूजा करना बहुत शुभ होता है। गाय बछड़े वाली है ना ये, वाह मूत्र कितना अच्छा होता है पता है।
गौशाला आवाज सुन के हजे तक क्यों हजे तक मैनू है मेरे दिल दी आवाज सुन जदों दारा वाला तैनू है तकिया सांभ के दिल में तेरे लई रखिया हो सांभ के दिल में तेरे मेरे दिल दी आवाज तैनू आना शाम में तैनू है तकिया सांभ के दिल में तेरे लई रखिया सांभ के दिल में तेरे लई रखे दिल दी आवाज सुन ले। वाह जी वाह। एक और बोलो किरण जी। आंटी फॉरनर लग रही है, सबको लेके आए हैं। देखो देखो जी, गौशाला में सभी आ चुके हैं। अरे ये भी आ गए, हमारे नेबर हैं। तो वो हमारे नेबर हैं। राधे जी, देखो सारे मिल गए आगे। हेलो जी, हाय राधे राधे। ये कौन है बेटा? राधे राधे जी। और ये बेटी? राधे राधे जी। तो आए कैसे हो गाड़ी में? कौन आओ जी आओ जी। राधे 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 राधे। प्रेस रिपोर्टर देखिए जी, गाय पूजा कर रहे हैं जी। चलो जी, गौचारा के लिए जा रहे हैं सभी। लाओ चलो लगाओ जी गौचारे को हाथ। हाँ ये सभी को दे रही है। हेलो जी, गाय का हरा चारा। जय श्री गौ माता। लो जी हर हर गणेश, हर हर गणेश। हाँ जी हेलो। मानसी जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें लेके आई है। आप लेके आए हो, आप लेके आए हो, सब लेके आए, सभी सभी पुण्य के भागी बने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलो जय हो गौ माता की जय। चलो जी आओ किरण जी। हे गौ माता, जिस भी विशेष पूरी करना। चलो जी, मम्मी ने गुड़ खा के जमया सी तेनू। अच्छा मेनू मिठी खंड कह रहे हो? मम्मी सुन लो, मम्मी के लिए कुछ कह रहे हैं क्या? जय गौ माता की जय।